हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल शोभा की रेसिपी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का रेसिपी है चना आलू और टमाटर की सब्जी। दोस्तों अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में मौजूद घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों आइए देखते हैं कि चने की सब्जी में हम क्या क्या डाल रहे हैं। पहले हम एक पाव चना को भिगो लिए हैं और दो लहसुन की बारीक बारीक कटी हुई और एक बड़ा साइज का प्याज कटा हुआ और चार सूखा लाल मिर्चा और ये दो तेजपत्ता, ये चार उबला हुआ आलू छोटा छोटा पीस करके और दो बड़ा साइज का टमाटर कटा हुआ और ये नमक, मीट मसाले का पैकेट, एक सब्जी मसाले का पैकेट, अदरक, प्याज और लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम बनाकर आपको सब्जी दिखाएंगे। ये गरम मसाला है और ये लाल मिर्चा पाउडर है, ये हल्दी है और ये धनिया पाउडर है, ये पंचफूरन है, ये सरसों का तेल। इसके जगह पर आप रिफाइंड का भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमने गैस को चला लिया है और इसको कुकर में रखेंगे। दो मिनट के लिए कुकर को गर्म होने देंगे। अब कुकर हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत लोगों को तेल ज्यादा पसंद नहीं है। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम पंचफूरन डालेंगे। ये देखिए पंचफूरन, अब इसमें पंचफूरन को डालेंगे। पंचफूरन को एक दो सेकंड के लिए जलने देंगे। और इसमें अब हम तेजपत्ता डालेंगे, तेजपत्ता को भी जलने देंगे। और ये चार लाल सूखा मिर्चा, इसको भी हम डाल देंगे। मिर्चा हमारा अच्छे से जल गया है, इसमें लहसुन डालेंगे कटा हुआ लहसुन और कटा हुआ प्याज को डाल देंगे। और इसको अच्छे से तरीके से चला लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम चला लेंगे। तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारा प्याज ब्राउन ना हो जाए। हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, देखिए इसको अच्छे से चलाएंगे हम। देखिए दोस्तों अब प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें मसाले को डालेंगे। ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है, इसको हम पहले डाल देंगे। और आधा चम्मच लाल मिर्चा पाउडर, लाल मिर्चा पाउडर ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि तीखा बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है। और ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसको पहले हम चला लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों अब प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें मसाले को डालेंगे। ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है, इसको हम पहले डाल देंगे। और आधा चम्मच लाल मिर्चा पाउडर, लाल मिर्चा पाउडर ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि तीखा बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है। और ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसको पहले हम चला लेंगे अच्छे तरीके से। और ये धनिया पाउडर, इसको भी आधा चम्मच डाल देंगे। और ये नमक, नमक आधा चम्मच डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम चला लेंगे। अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से मिल जाए। और ये मीट मसाले का पैकेट, इसको भी हम डाल देंगे। और ये एक सब्जी मसाले का पैकेट, इसको भी हम डाल देंगे। और सबको मिला के हम अच्छे तरीके से चला लेंगे और हल्का सा भुनने देंगे इसको। देखिए दोस्तों ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुना गया है। अब इसमें हम टमाटर को डालेंगे। ये टमाटर है, इसको हम डाल देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा एक दो मिनट के टमाटर को पकने देंगे। इसके ढक्कन से हम इसको ढक दिए हैं, दो तीन मिनट के लिए मसाले को पकने देंगे। देखिए दोस्तों अब ढक्कन को हटाएंगे, देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें ये उबला हुआ आलू डालेंगे।
और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे ऐसे ऐसे करके। अब इसमें हम चना भी डालेंगे एक ही साथ, ये चना है इसको भी हम डाल देंगे, सारे चने को देंगे अच्छे तरीके से ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से मिल जाए। और इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, देते हैं हम इसको अच्छे तरीके से 2-3 मिनट के लिए भूनने के लिए। देखिए दोस्तों अब हमारा आलू चना अच्छे तरीके से भून लिए हैं, इसको थोड़ा सा चला देंगे ऐसे ऐसे करके। और ये टमाटर को भी फिर थोड़ा सा हम डाल देंगे ताकि जूस हमारा अच्छा बनेगा। और इसमें हम पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा जूस नहीं बनाना है। इसको हम अच्छे तरीके से मिला देंगे और कुकर को हम बंद कर देंगे। और कुकर को भी हम बंद कर देंगे करके, कुकर को हम बंद कर देंगे अच्छे तरीके से और 2-3 सीटी लगने देंगे। देखिए दोस्तों अब हमारा 1 सीटी लग चुका है, अब 2 सीटी और लगाएंगे हम। दोस्तों चना की सब्जी खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, अब हम आपको सब्जी को निकाल कर दिखाएंगे। अब हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गया है, इसे दूसरे बर्तन में आपको निकालेंगे, इसे दूसरे बर्तन में हम निकाल कर दिखाएंगे। देखिए दोस्तों अब हमारा चने का सब्जी बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल में मौजूद घंटी को भी दबाए और शेयर भी करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।